मैं इस अवसर पर ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से बने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो जो जबलपुर के अंदर आयोजित है, एक अलग प्रकार का शंखनाद होगा और हम सब माननीय मोदी जी के अभी मोदीमय मध्य प्रदेश में डूब करके अपने नेता का स्वागत करेंगे। पलक पावड़े बिछाकर जबलपुर संस्कार धानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत की तैयारियों में जुटी है। मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करने जा रहे हैं। रविवार 7 तारीख को यहां पर रोड शो होना है और जो रोड शो का मार्ग है वहां पर निरीक्षण करने के लिए, रोड शो के मार्ग का निरीक्षण करने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सड़क पर उतरे हैं, इस रोड शो के मार्ग का मुआयना कर रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा को आप देखेंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री जबलपुर पश्चिम से भाजपा के विधायक राकेश सिंह यहां पर मौजूद हैं और स्थानीय विधायकों के साथ रोड शो के इस रूट का मुआयना जो है मुख्यमंत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की ओर से किया जा रहा है। और महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में चुनावी मुकाबला इस बार जबरदस्त होने की उम्मीद है। हालांकि बीजेपी ऐसा कह रही है कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से वो ये सीट जीतेगी, लेकिन हम कहें कि यहाँ पीएम मोदी के रोड शो के जरिए बीजेपी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी है और यही वजह है कि इस रोड शो को ऐतिहासिक तौर पर कामयाब बनाने की भी तैयारियां या कवायदें जो हैं वो की जा रही है। और पहले इस रोड शो को जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से गुजारा जाना था, लेकिन एसपीजी ने इसके रूट में परिवर्तन किया है और अब जो इस वक्त हम आपको रूट दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त मुआयना कर रहे हैं, ये जबलपुर की कैंट विधानसभा और पश्चिम विधानसभा, दो विधानसभाओं को जोड़ने वाला क्षेत्र है। जबलपुर के कटंगा चौराहे से पीएम मोदी के रोड शो की शुरुआत होगी और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक का वो सफ़र तय करेंगे और यहाँ से आदि शंकराचार्य चौराहे तक उनका रोड शो चलेगा और उसके लिए एसपीजी की ओर से तमाम तरह की तैयारियाँ जो हैं वो कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की जा रही है, चप्पे चप्पे पर यहाँ सख्त सुरक्षा व्यवस्था और पहरा होगा। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यहाँ एक विशाल रोड शो जो है वो करने जा रहे हैं और इस वक्त हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो इस रोड शो के रूट का मुआयना करने की है। हालांकि इससे पहले एसपीजी के अधिकारियों सहित प्रशासन की टीम के द्वारा यहां मुआयना कई बार किया गया है और अब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ पर रोड शो के इस रूट का मुआयना कर रहे हैं। हम इन तमाम बड़े नेताओं से जानने की भी कोशिश करेंगे, बीजेपी के जो प्रदेश भाजपा के दिग्गज हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये रोड शो जो जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है उसके लिए पार्टी स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं। हम सबका सौभाग्य है मध्य प्रदेश की धरती से, खासकर रानी दुर्गावती की पवित्र नगरी महाकौशल से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने रोड शो की शुरुआत करके एक तरह से चुनाव का शंखनाद करेंगे और हमारे लिए जबलपुर ये शुभंकर है। हमारे लिए कई कई कारणों से पूरा ये मध्य प्रदेश का परसों का होने वाला कार्यक्रम ये बहुत ही अलग प्रकार से होने वाला है। मैं अपने इस पूरे अभियान पे माननीय प्रधानमंत्री यहाँ जिस मार्ग से गुजरेंगे उस मार्ग का हमने पैदल अवलोकन भी किया है। मेरे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे सह प्रभारी श्रीमान सतीश उपाध्याय जी और हमारे महापौर सहित सारे नेताओं के साथ हमने ये निरीक्षण किया है जनता के बीच वो कार्यक्रम कैसे लोकप्रिय हो और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की गरिमा रही है, गौरव रहा, जबलपुर उसका एक तरह से अग्रगण्य नगरों में से एक आता है जो अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। तो मैं इस अवसर पर ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से बने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है और ख़ासकर हमारे अपने इस जबलपुर ज़िले के अंदर ये एक तरह से अद्भुत अवसर है। मुझे ध्यान में नहीं आता कि कभी यहाँ कोई प्रधानमंत्री ने रोड शो किया होगा, नहीं किया ना। तो ऐसे में इस पवित्र नगरी पे एक तरह से जैसे आपको ध्यान में होगा हमने सबसे पहले यहाँ रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए कैबिनेट की थी सरकार बनने के बाद माननीय मोदी जी की जबरदस्त अपील का मध्य प्रदेश पर असर हुआ था और यहाँ रोड शो निकाल करके हमारे लोकसभा के चुनाव का एक अलग प्रकार का शंखनाद होगा और हम सब माननीय मोदी जी के अभी मोदीमय मध्य प्रदेश में डूब करके अपने नेता का स्वागत करेंगे
और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हम जहाँ हो, जहाँ जैसे भी हो, रोड शो में जहाँ जगह मिले हम जरूर पुष्प वर्षा में शामिल हों। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री के, माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से अभिनंदन, स्वागत। सर, महाकौशल के मुख्यालय में है जहाँ पर ये रोड शो हो रहा है, और इधर बड़े नेता जो विपक्ष या कांग्रेस के, वो लगातार आज तक सिलसिला आपको ज्वाइन करने का जारी रहा, किस तरह से? देखिए भाई, पूरा देश तो क्या दुनिया मोदी जी के व्यक्तित्व से परिचित है, और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे मौके पर पूरा देश और उन जागरूक जरा भी कोई राजनीतिक दृष्टि से होगा वो सोच सकता है कि आने वाला भविष्य भाजपा का है, माननीय मोदी जी का है। और अब तो लोकसभा में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया था कि अब की बार 400 पार, तो मुझे इस बात का बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि खास करके पूरा प्रदेश हमारा मोदी में हो चुका है। हम तो अपने प्रदेश की बात करें, हमारे अपने शुभंकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बार फिर 29 की 29 लोकसभा जीते। आराम से। क्या कहना चाहेंगे, ये मोदी का दौरा जो है वो होने जा रहा है, किसकी तैयारी? माननीय प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पे पहला दौरा, और वो भी रोड शो के रूप में सायंकाल 7 तारीख को, एक अलग इतिहास बनेगा जी। हमारी इस धरती पर पहली बार हमारे प्रधानमंत्री अपने खास करके रानी दुर्गावती की नगरी में जनता के बीच वोट की अपील करने आ रहे हैं, जनसंपर्क करने आ रहे हैं, और हम सबके लिए वो एक अलग क्षण होगा जब हमारी धरती पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के नाते प्रधानमंत्री यहाँ कदम रखेंगे, पलक पावड़े बिछा करके यहाँ की जनता उनका स्वागत करना चाहती है। हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मंत्री श्रीमान राकेश जी, हमारी अपने यहाँ के सह प्रभारी सतीश जी, और हमारी पूरी सभी कार्यकर्ता सब मिल करके उनका इंतजार कर रहे हैं। और 48 घंटे कैसे कटेंगे मालूम नहीं, लेकिन हम सब, हमारा प्रति मिनट हमारे नेता के इंतजार में है, और उनकी जितनी अच्छी अच्छी तैयारी हो सकती है वो अच्छी तैयारियों के लिए भी हम आह्वान करने भी आए हैं। और जनता, मैं मान के चलता हूँ कि ये रोड छोटा पड़ेगा लेकिन हृदय के अंदर वो राज करके जाएंगे। मेरी अपनी ओर से स्वागत। प्रत्याशी के नामिनेशन फार्म का भरने की जवाबदारी प्रत्याशी की होती है, और हस्ताक्षर कहाँ करना है, वोटर लिस्ट में नाम कहाँ होना है, और ये सारी व्यवस्थाओं को चूंकि चुनाव आयोग इस तरह मामलों को देखता है, और निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष रूप से इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं, मुझे इस पर कुछ बोलना उचित नहीं लगता है। ये बेहतर होगा कि जिन जिन प्रत्याशियों की पार्टियों ने निर्णय किया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि खजुराहो में लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले अपना दावा छोड़ा, बाद में प्रत्याशी बदला, तो ऐसा लगता है कि सामने वाली पार्टी लड़ना ही नहीं चाहती। सबसे पहले तो मैं 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो जो जबलपुर के अंदर आयोजित है, जबलपुर में इतिहास बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा पूरा नेतृत्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी विजिट करने आए थे व्यवस्था देखने के लिए, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी यहां पर हैं, पूरे भाजपा के कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर जबलपुर संस्कार धानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत की तैयारियों में जुटी है, और 7 तारीख को इतिहास बनेगा रोड शो के माध्यम से। और मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीतने का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा सौभाग्य के जबलपुर की संस्कार धानी से कर रहे हैं।